दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डेवलपर मोड इनेबल कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेवलपर मोड का कुछ फीचर्स व उपयोग क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डेवलपर मोड ऑन करना है। हमने डेवलपर मोड ऑन कर दिया है और सबसे पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है टेक बग रिपोर्ट, वो नेट से कनेक्ट होने पर ही वर्क करेगा। सेकेंड है डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड, इसके ज़रिए आप डेस्कटॉप में पासवर्ड का बैकअप बना सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके द्वारा आपका पासवर्ड बैकअप हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है स्टे अवेक, अगर इसे आप इनेबल करते हैं तो आपका डिस्प्ले लाइट तब तक जलता रहेगा जब तक मोबाइल चार्ज में लगा रहेगा। तीसरा ऑप्शन है ब्लूटूथ HSI स्नूप लॉक, अगर आपका डिवाइस कोई ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है तो उसका HSI पैकेट्स एक फाइल में कैप्चर कर रखेगा और इसके ज़रिए आपका डिवाइस OIM अनलॉक फंक्शन पर वर्क करना शुरू कर देगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं रनिंग सर्विसेज, इससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सर्विस बैकग्राउंड में रन कर रहा है। आप देख पा रहे हैं रैम स्टेटस, सिस्टम, एप्स, फ्री, यहाँ हमारा रैम का स्थिति बताया जा रहा है और प्रोसेस में कुछ एप्लीकेशन हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप केस्ट प्रोसेस भी देख सकते हैं। वाकई ये कुछ अच्छा फीचर्स है। इससे पहले के कुछ फीचर्स तो अच्छे नहीं थे, लेकिन ये कुछ ना कुछ खास है। अब आगे है डेबगिंग, इसमें USB डेबगिंग से शुरुआत होती है। इसे हम ऑन करते हैं। यहाँ पर रिवोक USB डेबगिंग ऑथराइजेशन है। अगर हमारा मोबाइल किसी PC से कनेक्ट हुआ है और उसका हिस्ट्री हम क्लियर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसे अब ऑथोराइजेशन नहीं दे, तो इसके द्वारा आप रिवोक कर सकते हैं। यहाँ से बग रिपोर्ट भी आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से आप लोकेशन किसी भी एप्लीकेशन को डिटेक्ट करने दे सकते हैं। और यह रहा एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन, इसके द्वारा आपका मोबाइल जो है एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन करेगा। और यहाँ सेलेक्ट डेबग ऐप है, इसके ज़रिए आप एक डेबग ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपका PC कंट्रोल होगा। और यहाँ ऑप्शन है वेरीफाई एप्स वीआई USB, इसके ज़रिए आप एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर रहे होंगे USB के ज़रिए अपने PC से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोगर बफर साइज दिख रहा है, इसका कुछ खास उपयोग नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेटवर्किंग में वायरलेस डिस्प्ले डिवाइस, जिससे हम अगर अपने मोबाइल से किसी वायरलेस डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई वेव स्लोविंग, और यहाँ चार ऑप्शन ऐसे हैं जिसके उपयोग कुछ खास नहीं है और ऊंचे स्तर पे हैं, जिसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ एक ऑप्शन है कीप मोबाइल डाटा टर्न्ड ऑन, अगर हम वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं और मोबाइल डाटा ऑफ कर देते हैं तो हमें परेशानी होती है, कभी कभी परेशानी होती है अगर वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाए तो। इसलिए इस ऑप्शन के ज़रिए हमारा नेटवर्क और वाईफाई डाटा दोनों ऑन रहेगा। USB कॉन्फ़िगरेशन, इससे आप USB कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या चाहते हैं, मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं, मीडिया ट्रांसफ़र चाहते हैं या पिक्चर ट्रांसफ़र चाहते हैं, ऐसे ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करने पर आपको स्क्रीन पर आपके अंगूठे के टचेस दिखाई देंगे, आप जहां अपने फिंगर से टच करेंगे वो टच दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस ऑप्शन को इनेबल करने पर आपको पॉइंटर के लोकेशन दिखाई देंगे, ये हमारा पॉइंटर का लोकेशन दिखाई दे रहा है। अब अगला ऑप्शन है ड्राइंग, यहां से कुछ आपको अपडेट्स मिलेंगे। अगर इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपके स्क्रीन में जहाँ अपडेट्स की ज़रूरत है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अगला ऑप्शन है शो लेआउट बाउंड्रीज, इस ऑप्शन को इनेबल करने से जितना भी आपको टेक्स्ट नज़र आएंगे सबके बाउंड्री आपको नज़र आएंगे। फोर्स RTL लेआउट, इस ऑप्शन के ज़रिए आपके अपने मोबाइल को रिवर्स कर सकते हैं, इस तरह, कुछ इस तरह। एक बार फिर ये कुछ खास था। फिर यहाँ कुछ ऑप्शन है विंडोज एनिमेशन स्केल, इसके कुछ खास उपयोग नहीं है और इसे
ऊंचे स्तर पर उपयोग में आता है, इसे मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। फिर एक ऑप्शन है सिम्युलेट सेकेंडरी डिस्प्ले। इस ऑप्शन के जरिए एक सेकेंडरी डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हैं। यह डेवलपिंग मोड में वाकई हेल्पफुल है। मैं आपको इसका यूज़ दिखा देता हूँ। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक सेकेंडरी डिस्प्ले, ये मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जो 480 पिक्सल के भी सेकेंडरी डिस्प्ले आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको गेमिंग रिसोर्सिंग में हेल्प करेंगे। ये वाकई अच्छा फीचर्स है। इसे हम डिसेबल करते हैं। यहाँ से हार्डवेयर एसिलेशन के कुछ ऑप्शन हैं जिनके खास उपयोग अगले वीडियो में मैं बताता हूँ। फिर मीडिया, इसके जरिए आप रूटिंग के वक्त यूएसबी ऑडियो को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट मोड, यह मॉनिटरिंग का एक ऑप्शन है स्ट्रिक्ट मोड, जिसके जरिए आपका स्क्रीन फ्लैश करेगा जब तक कोई बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता रहेगा। यह ऑप्शन वाकई अच्छा है। सो सीपीयू यूसेज, इसके जरिए आप सीपीयू यूसेज देख पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है, वाकई अच्छा फीचर्स है ये भी। प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग, यह आपका जीपीयू कितना उपयोग हो पा रहा है आप अपने डिस्प्ले पर देख पाएंगे। जैसा कि ये हमारा जीपीयू कितना उपयोग में है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मैं जैसे जैसे इसे यूज़ करता हूँ वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ये इस तरह कुछ बढ़ता जाता है। तो इसे अभी हम डिसेबल करते हैं। यहाँ आप GPL ट्रेसेस भी देख सकते हैं। फिर यहाँ एप्लीकेशन के लिए एक खास फीचर्स है। आप जितने भी एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हैं टैब में वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और दूसरे यूजर अचानक आपके मोबाइल छूते हैं और जान जाते हैं कि आप क्या कर पा रहे थे। इसे आप अगर इनेबल करते हैं तो वो भी एप्लीकेशन से बाहर निकलते ही सारा स्टोरी उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ से आप बैकग्राउंड प्रोसेस को लिमिट कर सकते हैं, चाहते हैं कि कितना एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करें। यहाँ ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस एट लिमिट 1 प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस है। यहाँ आपको शो और NR का ऑप्शन है जिसके द्वारा आपका एप्लीकेशन नॉट रिस्पोंडिंग बोलता है तो वह बैकग्राउंड में चला जाएगा। इनएक्टिव एप्स, इससे आप जितना भी एप्लीकेशन एक्टिव नहीं है उसे आप देख पाए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुछ खास डेवलपर फीचर्स का उपयोग जाना और आगे कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं जिसे मैं अगले वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तब तक आप देखते रहिए जयज्योतिश। गुड। अगर वीडियो आपको वाकई पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना महत्वपूर्ण फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आप इसे रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं, इसमें खामियां हैं तो